अब देखते हैं क्लास सिक्स का प्रैक्टिस सेट 12। सो क्लास सिक्स का प्रैक्टिस सेट 12 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो देकर रखा है वो इस तरह के 8 क्वेश्चन दिया है और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो ये फ्रैक्शन में दिया है तो क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सो 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ में और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 1 7 एंड 5 4 20। सो दिस इज़ योर आंसर। बस इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। अब 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ में और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ में। सो 6 2 12 एंड 7 5 35। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ में और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 9 के साथ में। सो 5 4 20 एंड 9 9 81। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है। देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए, सो मल्टीप्लाई कीजिए 4 into 2 एंड 11 into 7। सो 4 2 8 एंड 11 7 77, ठीक है। इसी तरह से करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ में, ठीक है। सो 7 1 7 एंड 5 2 10, ठीक है। शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको रफ करके क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। चलिए दिख रहा है आपको, ठीक है। अब 6 देखिए, चलिए अब 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो 9 into 7 एंड 7 into 8, 9 7 जा 63 एंड 7 8 जा 56, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये भी नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो 5 into 6 एंड 6 into 5। सो ये कैंसिल होगा, देखिए 5 6 जा 30 एंड 6 5 जा 30। सो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इसको भी मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 6 into 3 एंड 17 into 2, सो 6 3 जा 18 17 2 जा 34। तो देखिए ये दोनों 2 के टेबल से कट होंगे, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2 2 7 जा 14। सो 9 अपॉन क्या आ जाएगा, 17, ठीक है। सो इस तरह से आपको आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th क्या दिया है। अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2x7 ऑफ इस फील्ड ऑफ 21 acres, ठीक है। अशोक राव के पास 21 acre का फील्ड है, ठीक है, और उस पर 2x7 फील्ड पर वो क्या करता है, बनाना प्लांट करता है, ठीक है। सो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द बनानास प्लांटेशन, ठीक है। सो 21 में से वो कितने एरियाज पे क्या करता है, बनाना प्लांटेशन करता है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन द फील्ड, ठीक है, और वो कितनी फील्ड है, 2x7। सो यहां पर लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन द फील्ड, और वो कितना फील्ड है, 2x7, ठीक है। टोटल फील्ड कितना है उसका, 21 acres, तो यहां पर लिखिए टोटल फील्ड 21 acres, ठीक है। अब वो कितने एरिए पर बनाना प्लांटेशन करता है, सो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2/7 part है, तो इसका 2/7 part जो आएगा वो उतने ही पार्ट पर वो क्या करता है, बनाना प्लांटेशन करता है। इसलिए हम 21 के साथ क्या करेंगे, 2x7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए एरिया of the banana plantation, okay, so 2x7 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 के साथ में, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है, सो 2x7 into 21 upon 1 इसको लिख सकते हैं। नाउ 21 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ में एंड 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ में, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 7 1 जा 7 7 6 जा 42। सो कितना आ जाएगा,
सिक्स एकर्स में वो क्या करता है, बनाना प्लांटेशन करता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अवर आर्मी 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थन बॉर्डर, ठीक है। 4/9 जो है वो क्या है, पोस्टेड है नॉर्थन बॉर्डर पे, एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थन ईस्ट बॉर्डर, ठीक है। 1/3 जो है वो नॉर्थन ईस्ट बॉर्डर पे पोस्टेड है। इफ द नंबर ऑफ द सोल्जर्स इन द नॉर्थ इज 5,40,000, हाउ मेनी आर द पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे 1/3 जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है और हाउ मेनी जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है। तो ये टोटल सोल्जर्स है, तो इसमें से 1/3 पार्ट जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, नॉर्थ ईस्ट में होंगे। सो यहाँ पर जो 4/9 दिया है उसका यूज़ नहीं करना है हमें, ठीक है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, तो उसका यूज़ ही नहीं करना है इस क्वेश्चन में, खाली इसका यूज़ करना है और इसका यूज़ करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द नॉर्थन बॉर्डर। सो लिखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द नॉर्थन बॉर्डर कितने हैं सोल्जर्स, 5,40,000, ओके। अब हमें क्या लिखना है, 1/3 ऑफ द सोल्जर्स आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, 1/3 ऑफ देम आर द पोस्टेड इन द 1/3 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। सो अब हमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, तो नॉर्थ ईस्ट में इसमें से 1/3 जो है वो पोस्टेड है, तो इसको क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहां पर लिखिए सोल्जर्स आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट, सोल्जर्स आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट। सो कितने पोस्टेड है, 1/3 ऑफ 5,40,000। सो इसको डिवाइड कीजिए, 3 1 3 3 8 24 1 2 3 4 1 2 3 4। सो 1,80,000 सोल्जर्स जो है वो कहाँ पर पोस्टेड है, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे। तो यहाँ पर लिखिए फाइनल आंसर, 1,80,000 सोल्जर्स आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट, ओके। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।